ये माहौल जो है ना, मतलब आज ये आलू खुद रहे हैं ना, इधर आलू खुद गए इधर के, है ना। हाँ इसीलिए तो कर लेते हैं। और ये रास्ता भी देख कितना मस्त, मतलब गर्मियों में एकदम एक नंबर बना हुआ है, दोनों तरफ से पेड़। और आने वाले टाइम पुलिया यहीं ना खुलेंगी। हाँ यहीं खुलेंगे, कचरा भी तो यहीं आ रहा है ना। एमपी टूरिस्ट में जो माने जाते हैं ऐसा चचाई केवटी चला मत यार तू। अभी अपने को ये वाला रास्ता, लेकिन ये भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना किसी दिन आगे साले पहाड़ में बैठ के खाना वाना खाया जा सकता है। अब जब चलना फंक्शन होगा हाँ, नहीं जल्दीबाजी में नहीं चलेंगे हम। चला जाता है ये वाला, और ये तुम्हारा चला जाता है ओमकारेश्वर वाला रूट है, पता है ये वाला। इधर तो आए हैं वही अमन, ओमकारेश्वर 55 है, बुरहानपुर 135 है भाई, अपने को दोनों जगह नहीं जाना है। ये है मतलब ठंडी में पे हमेशा उल्टा चलता है ये थोड़े से सेक्शन के लिए, समझे। आने वाला इधर से आया, तुम जाओगे तो इधर से उतरोगे। अरे भैया लंबा कटता है ना, तो लंबा कैसे काटोगे तुम, तो इसलिए उनको लंबा काटने का इधर से मौका मिल जाता है, और अपने को यहाँ से क्रॉस में ही चलती है गाड़ियाँ। I see, इतनी बड़ी बात। सीधी में छुईया घाटी क्या आती है, कौन सी घाटी सीधी और छुईया घाटी, छुड़िया देख देंगे तुमको। ये भैरू घाट, यहाँ का भैरू बाबा का एक बहुत फेमस मंदिर है। तो भैया यहाँ से रास्ता निकलेगा ओखलेश्वर धाम, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हमारी जनता आगे चली गई और हम रह गए पीछे, मतलब ये ओंकारेश्वर वाले रूट में आता है। आ हा, इंडिकेटर बंद भी कर लो आप। कहाँ गए अभी, क्या देख रहे, अभी आगे है वो। ये मतलब चिकन, यहाँ चिकन चिकन नहीं बन रहा होगा यार, पानी गर्म कर रहे होंगे नहाने के लिए भाई। देखो अभी भी मन में इनके चिकन ही चल रहा है। ये हरियालियाँ जो है, ये हरियालियाँ वादियाँ और ये खूबसूरती इतनी आसानी से नहीं मिलती है भारत में, थोड़ा ज्यादा मिलता है ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली रिमोट एरिया है, मतलब तो इधर बहुत जनता कमी आती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लोगों का आना जाना कम है। अब हम फेमस करेंगे इस जगह को और क्या। नहीं ले जाएंगे, लेकिन ओंकारेश्वर नहीं ले जाएंगे। और ये वाला देखो एरिया भाई, समझ लो एरिया अच्छा ठीक ठाक डेवलप किया यार, मतलब देखिए इधर पहाड़ों के साथ साथ पानी चल रहा है भाई। अब तुम सोचो सीन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मंगल के लिए जंगल में मंगल कर सकते हो ना, देखो इधर कुछ बना हुआ यार, फॉरेस्ट में हो सकता है, घर भर भी है यार, प्रॉपर्टी लग रही किसी की, प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो ना है पक्का, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना है। अरे बरगद का पेड़ नहीं है, बड़ा सा है, और हाँ
इस एरिया में यहाँ पे बारिश के मौसम में कितना बढ़िया लगता होगा। बारिश के मौसम छोड़ो, जब बारिश के बाद जो गर्मी वाला थोड़ी मौसम रहता है ना, जब पानी झरना भरा रहे हैं। अभी ये देखो वो डंडा लेके बैठे हैं कि कोई अंदर ना जा पाए। इधर देखो भैया क्या बना है, खंडक है भाई, खंडक। यहाँ तो शेर चीता भालू ऐसे खतरनाक जानवर भी आते होंगे, शिकार करने आते, शिकार करने आते होंगे। अंकल जी लोग यहाँ पे बकायदा माहौल बना दिए। ये खेती की जमीन पूरी गांव वालों की होगी, गांव वालों का है तो गांव वाले नहीं, गांव वाले का भाई नहीं, सरकारी का। लेकिन फिर कब्जा है, कैप्चर्ड है। देखो जो घर बनाए ना वही कैप्चर कर ले, ये इधर सियार आदमी ऊपर कर। देखो रात को यहाँ ऊपर सोते होंगे तो नीचे चीता जानवर, नीचे चीता आ जाएगा और चीता भी पीता है, फिर पिलाएगा इनको बकायदा। आनंद ही आनंद है, परमानंद है। ये देखो ये चेहरा छुपा लिया, ये दो सर, ये इन लोगों का स्टिंग ऑपरेशन। और ये बकरियां घूम रही हैं इधर, अगर तुम कुछ लेके आ रहे तो इसी में तो बन जाता एक दो। क्यों नहीं बना लेते अपन। इधर का नजारा कुछ ऐसा हो रखा है कि मतलब मन नहीं करेगा भैया आ जाओगे तो। अंदर तो थोड़ा पहाड़ वहाड़ अंदर मतलब जंगल जैसा, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि वो क्या हो, परमानंद, एक आनंद एक परमानंद और एक जीवन आनंद। ये तीनों LIC की पॉलिसियां हैं। अच्छा छोटी सी दुकान, भैया उसने नमकीन नमकीन रखा होगा, सेव परमल मिलेगा वहाँ पे, बैर का पे। क्या बैर, मतलब आप फ्री में खा सकते हो अगर रुकना चाहो तो। और आगे जंगल जलेबी, ये जंगल जलेबी ठीक है, मतलब पहले जंगल जलेबी बड़ा सुना है ना, में छोटी सी प्राथमिक पाठशाला, छोटी सी अपन बोलते हैं प्राथमिक, पांचवी तक की जो पाठशाला, हाँ पांचवी तक की। अच्छा मुर्गियां भी हैं भाई, मुर्गियां भी, मुर्गियां भी बना रखी हैं इन्होंने, मतलब रख रखी हैं कि कोई। यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियां भी हैं, मंदिर भी है, आनंद है आनंद। देखिए सबसे बड़ा आनंद अखिलेश्वर, अब हम अखिलेश्वर वाले रास्ते पे आएंगे, इन पहाड़ियों के बीच में घूमता हुआ रास्ता जाता है भाई, मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे, कार चढ़ा दिए भाई। यहाँ गन्ने की खेती भी होती है और गन्ना का जूस भी मिलता है, लेकिन भाई ये ठंड में गन्ने का जूस कौन पीता है, एनर्जी चाहिए। हाँ से ओखला है दा, ओखला नौ 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 चैनपुरा। अच्छा ये गांव में ना ये शायद यहाँ अनाज मिल रहा है, आज अनाज मिल रहा है, अनाज मिल रहा है भैया, अपना राशन कार्ड लेके आ जाओ। ये देखो इसको देख के तो पहचानता है क्या, ये मेरे को तो नहीं पहचानता ना, तू मेरे पीछे मत आ, तू जाओ भैया खड़े ना, वो माल उनके पास है, खाने वाने का चले जाओ उधर। जो रास्ता है ना हालांकि मजा है भैया काय का। अच्छा ये जो दूसरे जो जगह देख रहे थे ना वो अंदर है, जगह का अंदर है, लेकिन हमें उस जगह से कोई मतलब नहीं है, हम सीधे जाएंगे मंदिर की तरफ, ओखलेश्वर भगवान मंदिर जो हमारा स्पॉट है अभी का वो वाला। यहाँ बहुत ही खतरनाक जंगल है, लोगों की यहाँ फट जाती है, और यहाँ हम आ गए हैं है ना, और अभी ऐसा लग रहा है कि डर के मारे हम लोग यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा ये जो है ना अभी दिन में ये हालात है, तो ये सोचो रात में कैसा होता है, रात में चारों ओर खूब अंधेरा और अरे बाप रे इस तरह से खत्म। जो मतलब सीरियल्स में देखते हैं ना भूतहा कहानी स्टोरीज, वो लगभग लगभग फील आपको यहाँ आ जाएगी। बगल से शेर आता हुआ, बगल से भालू आता हुआ, शेर भालू को दोनों को लाएगा, अगर आप तो एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देख
इतनी खतरनाक रोमांचक कहानी सुनाने वाला ये व्यक्ति पन्ना क्षेत्र से है, मतलब फिर वो दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में लड़ाई करने ही जाते हैं, तभी वो चीता आ जाता है। बोले साले तुम लोग मेरे बिना क्या लड़ रहे हो। जब वो चीता रहता है वो अपनी सहेली लोमड़ी को बुलाता है। अच्छा, और लोमड़ी जो बोलता है कमेंटेटर बनाता है। बोलते हैं तुम दोनों लड़ो, चीता बोलता मैं देखूंगा। अच्छा, आलू राजा बनता है कि शेर राजा बनता है। अच्छा, तो देखते हुए जब वो लोमड़ी रहती दोनों लड़ाती है, तो लोमड़ी जब मरवाती है तो क्या बोलते हैं शेर तो बेचारे भालू मार डालता है। जब मार डालता भालू मर जाता है, इसमें लोमड़ी का भी काम हो गया, उसने अपना सब किया, इसमें सभी को भोजन मिल जाता है, भर पेट भोजन करते हैं, भोजन कर लेता है, तो शेर को आता दिमाग खराब, तूने उसको तो मरवा दिया, तेरा भी काम खत्म करता हूँ अच्छी लोमड़ी। अब लोमड़ी तो चला उस दबाए दबाए हो गए, तो जी खजूरी करते हुए बोली साहब आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको डेली एक नया शिकार दूंगी। बोल के बोली चलो ठीक है, उसको शेर अपने घर ले गया। शेर अपने घर ले गया और बोला चल आज तो मेरा हुआ, आज मैं पेड़ भर गया, अब कल सुबह मुझे चाहिए फिर से ताजा शिकार। तो लोमड़ी बोले जी हजू, वो तब तू चल यहीं बैठ, मैं थोड़ी आराम करता हूँ। वो जब देखता है, लोमड़ी जब देखती है कि शेर तो अब सो गया गहरे नींद में, लोमड़ी एकदम चलाक सी एकदम मध्य पैर रखती है, एकदम फुर भाग जाती है। जब शेर सुबह उठता है तो देखता है तो लोमड़ी है ही नहीं, और कब देखता ढूंढता भागता कहीं मिला ही नहीं उसको, तो उसको समझ में आया ये तो मेरी बना दी अच्छे से। इसीलिए कहा गया है कि लोमड़ी होती है बहुत चलाक होती है, इसीलिए इसे हमें एक कथन एक कहानी से सारा से मिलता है कि हमें अपने काम को किसी भी काम को आप किसी गहराइयों पे मत जाते, एकदम अपने सफलता के अनुसार देखते हुए एकदम चलाकी से काम करना चाहिए, जिससे हम आगे की ओर प्रगत बढ़े और हमारा काम भी हो जाए और हम आगे बढ़ते भी जाए। और बीच में हम बीच बहुत बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर कहानी सुनाई इन गड्ढों से बचाते हुए इस लड़के ने। तो ये कहानी में ये था दरअसल कि भैया अपना काम करते जाओ, लोमड़ियों से बच के रहो बस, है ना, क्योंकि अगर लोमड़ी आ गई आपके साथ तो हो सकता है अच्छे अच्छे शेरों को चीतों को भी मरवा दे, जबकि चीते में कितनी फुर्ती होती है, चीते की रफ्तार सबसे तेज मानी जाती है दौड़ने वाले जानवरों में, जबकि उसने चीते को मरवा दिया। तो हम तो क्या ही हैं, लेकिन अच्छा जंगल अच्छा है लेकिन नहीं एक नंबर लग रहा है ये गांव के पैसे। देख भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे एक अंकल है हमारे, हम भी उम्र ही हैं ठीक है, लेकिन भाई साहब उनको हम जब बचपन छोटे थे ना तो उनको बोलते थे कहानी सुनाओ, अबे वो इतनी जोर जोर के कहानी सुनाते थे ना, इतनी मस्त कहानी सुनाते जोर जोर के। वो राजा था तो उसके चार बच्चे थे और ऐसा हुआ एक दो दो घंटे कहानी सुना सकते भाई वो, ऐसे मेरे दादाजी है ना, वो दो दो चार चार घंटे सुनाते है ना कहानी सुना देते, लड़के थे तो कमाने गए ऐसा हुआ वो चार घंटे जब कहानी सुना देते ना और आप बोल मतलब दो घंटा तीन घंटा फिर आप बोलो यार चाचा नींद आ रही, हाँ तो ठीक है ना, ये इसने उसको मार दिया उसने उसको मार दिया खत्म हो गया खेल। पंकज चाचा यार दिल्ली अभी तो मुंबई में रहते हैं, मैं बोला था ना मुंबई अभी अपने पास रहने वहने की व्यवस्था है तो उनकी वजह से। अब भाई 2 किलोमीटर और बचा है ओखला, अच्छा 2 ओखला है, एक ओखला यहाँ है एक ओखला दिल्ली के पास में भी है, हम ये वाले ओखले में जा रहे हैं। धोले रुक जा लो, ये हाथ हाथ धो लो यहाँ पे, ये भैया ऐसी जगह है बहुत।
छोड़ा।